राकेश टिकैत का दो दिवसीय ललितपुर दौरा आज। मृतक किसानों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। खाद की किल्लत से परेशान किसानों की हुई थी मौत। अमेठी में स्कूल जा रही बच्चों से भरी बस पलटी, पेड़ से टकराने पर हुआ हादसा, बस सवार करीब आधा दर्जन बच्चे घायल। नवाब मलिक का बड़ा आरोप, ड्रग्स को लेकर पूर्व सीएम पर साधा निशाना, कहा ड्रग्स के खेल की जांच करे सीबीआई। प्रियंका गांधी ने जारी किया घोषणा पत्र, महिलाओं को मिलेगी फ्री बस यात्रा, 3 एलपीजी सिलेंडर देने का वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी से करेंगे। राकेश टिकैत का दो दिवसीय ललितपुर दौरा है आज। मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे टिकैत। खाद की किल्लत से परेशान किसानों की मौत हुई थी। 5 किसानों के गांव जाकर परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। किसान संगठन के पदाधिकारियों के साथ भी चर्चा हो सकती है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। आज राकेश टिकैत ललितपुर जाएंगे और यहां पर कई किसानों के परिवारों से मुलाकात कर सकते हैं। तो राकेश टिकैत का दो दिवसीय ललितपुर दौरा आज से है। मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे राकेश टिकैत। आपको बता दें कि खाद की किल्लत की वजह से जो किसान परेशान थे उनकी मौत हो गई थी, कुछ ने आत्महत्या कर ली थी। तो ऐसे में 5 किसानों के गांव जाकर परिजनों से मुलाकात करते हैं राकेश टिकैत और किसान संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की भी चर्चा जोरों पर है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की ललितपुर से मिल रही है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत का दो दिवसीय ललितपुर दौरा है। यहाँ पर मृतक किसानों के परिजनों को सांत्वना देने के लिए पहुंचेंगे, उनके परिवारों से मुलाकात हो सकती है। साथ ही साथ अपनी मांगों को लेकर भी यहां पर वो सीधे तौर पर अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा किसान संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। आप बता दूं कि इन दिनों उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में खाद की किल्लत की वजह से किसान परेशान हैं। ऐसे में बीते दिनों कुछ किसानों की मौत हो गई थी, कुछ ने आत्महत्या कर ली थी। इसको लेकर राकेश टिकैत लगातार सरकार पर हमलावर भी हैं। इसके अलावा मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए भी पहुंच सकते हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है ललितपुर से, जहां पर दो दिवसीय दौरे पर राकेश टिकैत आज पहुंचेंगे। अमेठी से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। स्कूल जा रही बच्चों से भरी बस अचानक पलट गई, तेज रफ्तार बस पेड़ से टकराई और नीचे जा गिरी। बस सवार करीब आधा दर्जन बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तेज रफ्तार बस पेड़ से टकराकर नीचे पलट गई। बस सवार करीब आधा दर्जन बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने तुरंत सभी घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया है। अमेठी से इस वक्त की बड़ी जानकारी। स्कूल जा रही बच्चों से भरी बस अचानक पलट गई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से बस आ रही थी, पेड़ से टकराई और नीचे जा गिरी। बस सवार करीब आधा दर्जन बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सभी घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया है। हालांकि ये हादसा कैसे हुआ इस बात की जानकारी जुटाने में पुलिस लगी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भीषण हादसा। जो स्कूल बस है बच्चों की वो अचानक पेड़ से टकराई और पलट गई, जिसमें कई मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी रणविजय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रणविजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कैसे यह हादसा हुआ, किस समय हुआ? जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि COVID-19 के खत्म होने के बाद स्कूल का संचालन बहुत ही तेजी से शुरू हुआ, ठीक उसी हिसाब से जो है अगर देखा जाए तो एक बस जो कि 7 सीटर, 14 सीटर और 15 सीटर करके बसें होती हैं, इनमें बेधड़के से भरपूर मात्रा में बच्चों को भर के स्कूल बहुत ही फर्राते से लेके जाया जाता है। ठीक उसी तरह से आज सुबह की ये घटना है। मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं से ड्राइवर की अनियमितता सामने आई है, जिसकी वजह से घटना घटी है। जी बिल्कुल रणविजय, देखा जाए तो काफी ये भीषण हादसा है। कितने बच्चे इस बस में सवार थे उस वक्त, कितने बच्चों की हालत गंभीर है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो सुरक्षित हैं? जी गंभीरता की बात तो जहां तक है तो गंभीर मामला बच्चों के साथ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जहां पे इस बस पे जो है करीब
15 बच्चों के लिए सीट होती है, उसी में लगभग जो है करीब 30-35 बच्चे सवार थे, जिसमें से 15 बच्चों के ऊपर को चोटें आई हैं। रणवीर जी, जो ड्राइवर था स्कूल बस का, उसके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या तेज रफ्तार कारण था या फिर ड्राइवर को झपकी आ गई थी, क्या वजह बताई जा रही है? जी, वजह तो यही बताई जा रही थी कि टायर में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आई है, क्योंकि और कुछ ड्राइवर बताने की हालत में नहीं था। तो ड्राइवर की हालत भी गंभीर बताई जा रही है इस हादसे में? नहीं 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 मैम, ड्राइवर पूरी तरह से स्वस्थ है, बस बताते ये है कि हादसे की वजह से ड्राइवर तो घबराहट में है। यानी कहा जा सकता है कि बस पलटी है, बड़ा हादसा है, लेकिन बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। जी जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं अमेठी से, जहां स्कूल जा रहे बच्चों से भरी बस जो है अचानक पलट गई। टायर में शायद कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से अनियंत्रित हो गई। फिलहाल बस का जो ड्राइवर है वो कुछ भी कहने से बच रहा है, लेकिन गनीमत रही कि मासूम बच्चों को हल्की खरोचें आई हैं, कोई भीषण हादसा यहाँ नहीं हुआ। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि ड्रग्स पेडलर के बीजेपी नेता के साथ संबंध हैं। उन्होंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के इशारों पर ही ड्रग्स का धंधा चलता आ रहा है। इसके साथ ही मलिक ने पूछा कि आखिर क्यों केंद्रीय मंत्री रामदास ठावले खुद समीर वानखेड़े के परिवार से मिले हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी का समर्थन करना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये लड़ाई लगातार लंबी होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार किया है और कहा कि दिवाली के बाद एक एक करके अनेकों बम फोड़ूंगा। ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। दरअसल ड्रग्स की जो लड़ाई है वो अब सियासी होती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा आरोप लगाया है कि ड्रग्स के खेल की सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ड्रग्स पेडलर से मिले हुए हैं, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कह दिया है कि नवाब मलिक जो हैं वो लगातार ड्रग्स के जो पेडलर्स हैं उनके संबंध में रहे हैं। इसका खुलासा दीपावली के बाद मैं करूंगा। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नजर महिला वोट बैंक पर है। वहीं महिलाओं के वोट को साधने के लिए कांग्रेस कई बड़े ऐलान कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट और छात्राओं को स्कूटी और स्मार्टफोन देने का दाव चल चुकी हैं। वहीं अब प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया है और अपने इस घोषणा पत्र में प्रियंका ने यूपी की महिलाओं के लिए कई बड़े वादे भी किए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर हर साल 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा भी दी जाएगी। वहीं आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने 10,000 रुपए का मानदेय भी मिलेगा। तो प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया है, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी जाएगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, एक बार फिर से महिलाओं पर सियासी दाव प्रियंका गांधी का, 3 सिलेंडर मुफ्त में कांग्रेस देगी महिलाओं को और जो सरकारी बसें हैं उनमें फ्री यात्रा महिलाएं कर सकेंगी। यानी कहा जा सकता है कि इस बार पूरा फोकस कांग्रेस का महिलाओं पर है, महिला वोटरों पर सबसे ज्यादा प्रियंका गांधी दाव लगाती हुई नजर आ रही हैं। तो प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया है, इस घोषणा पत्र में एक और दाव महिलाओं के लिए रखा गया है, एक और मुफ्त सेवा महिलाओं के लिए रखी गई है, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 40% जो सीट पर आरक्षण है वो दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ और साल भर में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी रूबी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रूबी, अगर देखा जाए तो कांग्रेस इस बार पूरी तरह से महिलाओं को साधने में जुटी हुई है, क्या महिलाओं को साधने के बाद प्रियंका गांधी आगे क्या दाव चल सकती हैं? क्योंकि महिलाओं को तो अब पूरी तरह से मुफ्त में फ्री बस सेवा, गैस सिलेंडर, स्कूटी, लैपटॉप, ये तमाम चीजों की घोषणा वो कर चुकी हैं, आगे अब उनका क्या कदम हो सकता है? काजो, देखिए
पार्टी अब इस बात को बहुत बेहतर समझ चुकी है कि अगर मजबूती से उनको मैदान में उतरना है तो कहीं ना कहीं महिलाओं को खास तौर से आगे करना पड़ेगा। अब इनके ये रणनीति कहे या समझदारी कहे कि अब ऐसे में महिलाओं को लेकर खास तौर से पार्टियां जो है वो काफी सक्रिय हो गई है। आज लखनऊ में बीएसपी में भी महिला सम्मेलन कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें बीएसपी की अब महिला वोट बैंक को लेकर खासतौर से बातचीत की जाएगी और इसमें कल्पना मिश्र है उस सम्मेलन में संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बीएसपी हो और हाल ही में अभी समाजवादी पार्टी ने भी महिलाओं को लेकर खासतौर से कई ऐसे सीटों को लेकर कहा है कि जिसमें कहा महिलाओं को आगे करने की बात की जा रही थी और प्रवक्ता लेवल का अगर उन्होंने चेंजेस किए थे तो उसमें भी महिलाओं को तवज्जो दिया था। तो कहा जा सकता है काजोल कि अब जो है वो महिला वोट बैंक की लेकर खास तौर से राजनीति की जा रही है और ऐसे में प्रियंका गांधी ने आज जो सिलेंडर मुफ्त दिए जाने की बात कही है तो कहीं ना कहीं महिलाओं के सरकारी बसों के लिए आप लखनऊ में लगातार फील्ड पर बनी रहती हैं, आप महिलाओं से भी मुलाकात करती हैं, सियासी हालात कैसे हैं लखनऊ के वो भी लगातार जानती रहती हैं। अगर इन घोषणाओं की मैं बात करूं जो प्रियंका गांधी कर रही हैं, क्या इसका जरा भी असर या इसको लेकर बातचीत महिलाएं करती हुई आपको नजर आती हैं? बिल्कुल काजोल, कुछ महिलाओं से बातचीत भी हुई तो उनका ये कहना है कि जो हमारे परिवार को मजबूत करेगा, जिस भी पार्टी ने हमारे परिवार के चीजों को नियंत्रण करे, खासतौर से महंगाई को इतने लेकर बढ़ावा बढ़ चुका है, सिलेंडर हो खासतौर से उस पर काफी दाम बढ़ चुके हैं, हर एक राशन पे अगर नजर डालिए तो राशन के दाम बढ़ चुके हैं, दाल हो चावल हो आटा हो कोई भी राशन के सामान हो जब आप बाजार में जाते हैं तो 10 गुना आपको पैसा देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप वही पार्टी का वो चुनाव करेंगी जो इन चीजों को नियंत्रित कर सके। तो यानी कि महिलाएं भी अपना पूरी तरीके से मूड बना चुकी हैं कि जो उनके किचन को संभाल सके, उनके किचन को जो पहले की तरीके से जो संभालती थी 5,000 में भी वो अपने घर को संभाल लेती थी। अब तो यानी रूबी कहा जा सकता है कि प्रदेश सरकार से एक चूक हुई है जो महंगाई को लेकर है जिसका फायदा कांग्रेस उठाती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है काजोल, क्योंकि अगर ऐसे में महिलाएं को लेकर खासतौर से पार्टी सक्रिय इसीलिए हुई है क्योंकि महिलाओं को लेकर पार्टी ये बात को जरूर ध्यान रख रही है कि महिलाएं नाराज चल रही थी क्योंकि महंगाई को लेकर, और कई ऐसे मुद्दे भी निकल के आए थे। खासतौर से बीजेपी ने महिला योजना या सशक्तिकरण के लेकर भी काफी कार्यक्रम किए थे। तो ऐसे में अब विपक्ष ने भी इस बात को लेकर खासतौर से इंतजाम करना अभी से शुरू कर दिया है चुनाव को लेकर कि अगर चुनाव में उतरना है तो निश्चित तौर पर महिलाओं को लेकर जरूर से जरूर इनको सक्रिय होना पड़ेगा। ठीक है रूबी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र में एक और चीज ऐड कर दी है। जी हाँ, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो प्रियंका गांधी ने वादा किया है कि मुफ्त में 3 सिलेंडर साल भर में महिलाओं को दिए जाएंगे। इसके अलावा जो वहां की सरकारी बसें होंगी उसमें फ्री बस यात्रा महिलाएं कर सकती हैं। बहुत बड़ा दाव चला है प्रियंका गांधी ने और उसका बड़ा असर देखने के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में जरूर मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। वहीं रविवार को हरदोई पहुंचे अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी नेताओं का कहना है कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पद चिन्हों पर चलते हैं, लेकिन आज किसान संकट में है और उनकी आय दोगुनी नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे खराब है और इसलिए यूपी के लोगों ने बीजेपी को सत्ता के बाहर करने का फैसला कर लिया है। तो अखिलेश यादव एक के बाद एक कई बार हमलावर होते हुए बीजेपी सरकार पर नजर आ रहे हैं। तो वहीं उनका साफ तौर पर कहना है कि किसान परेशान है, संकट में है, उनकी आय दोगुनी नहीं हुई है, उसके बावजूद भी बीजेपी अपने कामों का बखान करती रहती है। असल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, ऐसे में अब जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी। और इसी बीच बड़ी जानकारी लखनऊ से मिल रही है। बहुजन समाज पार्टी का महिला सम्मेलन आज राजाजीपुरम में 4 बजे महिला सम्मेलन होगा। बीएसपी की अब महिला वोट बैंक पर नजर है। महासचिव सतीश चंद्र मिश्र की पत्नी कार्यक्रम को संबोधित कर सकती हैं। कल्पना मिश्र महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की। एक बार फिर से बीएसपी राजनीति में तमाम दाव चलती हुई नजर आ रही है। तो प्रबुद्ध सम्मेलन के बाद बीएसपी कहीं ना कहीं शांत बैठी हुई नजर आ रही थी
और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए दानिश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दानिश, आज बीएसपी का महिला सम्मेलन होने जा रहा है, यानी ये कहा जा सकता है कि बीजेपी, कांग्रेस, सपा के बाद अब बीएसपी भी महिला वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए है। देखिए बिल्कुल मायावती, चूंकि देखिए आयरन लेडी मानी जाती हैं उत्तर प्रदेश की, और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उत्तर प्रदेश में बड़ा चेहरा है और कानून व्यवस्था को लेकर के आज भी मायावती को याद किया जाता है। तो इससे पहले प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा यात्रा निकाली थी कि महिलाओं को लेकर के 40% टिकट महिलाओं को कांग्रेस में प्रियंका गांधी देंगी, महिला हूँ लड़ सकती, तो जिससे भाजपा ने प्रभु समय लेंगे। तो आज मायावती ने बीच चुप बैठने वाली नहीं थी कि सभी लोग ये कयास लगा रहे थे कि शायद उत्तर प्रदेश में बीएसपी का जनाधार कम हो रहा, तो मायावती ने भी एक महिला पे गहरा प्रत्याय कर सकते हैं कि महिला को जो आज सम्मेलन कर रही है, जिसमें कार्यक्रम में बदलाव भी हुआ है, जो 4 बजे राजाजीपुरम में महिला सम्मेलन का कार्यक्रम होगा और इससे मायावती के जो बीएसपी के नजर महिला वोट बैंक पर है। सतीश चंद्र मिश्रा, बिल्कुल दानिश, लेकिन क्या इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी आज जो महिला सम्मेलन करने जा रही है शाम 4 बजे, इससे पहले प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र में 2-4 चीजें और ऐड कर दी हैं। बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि महिलाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं, हमारी सरकार में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महफूज करती हैं। दूसरी तरफ सपा ये कहती है कि हम महिलाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं, तो ऐसे में जो बहुत लेट आई है बीएसपी, इसका असर क्या होगा? बिल्कुल देखिए मायावती एक देखिए काफी ज्यादा समझदार ले रही है और सतीश चंद्र मिश्रा कह सकते हैं इनके एक कलाकार के रूप में कार्य करते हैं, तो ये उनकी पत्नी है, जैसे इनकी पत्नी है सतीश चंद्र मिश्रा की कल्पना मिश्रा, तो ये इन महिलाओं को संबोधित करेंगी। तो महिलाओं को लेकर के जो टिकट की व्यवस्था कांग्रेस ने की थी, तो उसमें कांग्रेस ने जान फूंक दी गई, कांग्रेस की कहीं ना कहीं पार्टी एक्टिव हो गई, तो इसलिए इस वजह से मायावती ने भी कहीं ना कहीं सोच समझ कर फैसला लिया है कि अगर उत्तर प्रदेश में हम महिलाओं का संबोधन करेंगे और हम भी टिकट अगर महिलाओं की, बिल्कुल दानिश, और कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को साधने की कोशिश बीएसपी जो है वो करती हुई नजर आ रही है। पहले प्रबुद्ध सम्मेलन किया और अब जो सतीश चंद्र मिश्र की पत्नी है कल्पना मिश्र, वो इस महिला सम्मेलन को संबोधित कर सकती हैं, यानी एक तो महिला, ऊपर से ब्राह्मण महिला, तो सीधे तौर पर महिलाओं को भी साधा जा रहा है, ब्राह्मणों को भी साधा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक तीर से दो निशाने हैं यहाँ पर, महिलाओं को भी लेकर के और ब्राह्मणों को, और सतीश चंद्र मिश्रा जो कि काफी बड़े चेहरे हैं ब्राह्मणों के और जो बसपा से काफी ज्यादा मतलब जनाधार में हैं, और सतीश चंद्र मिश्रा अक्सर ब्राह्मणों को लेकर के सवाल भी उठाते रहे हैं, उनकी पत्नी कल्पना मिश्रा को इसलिए उन्होंने लगाया कि महिला है और साथ में ब्राह्मण है, तो सबसे बड़ी चीज यही है कि मायावती ने भी एक महिला पर जला फेंका। आज कहीं ना कहीं अब जो बहुजन समाज पार्टी है ये कहीं ना कहीं प्रचार में आए कि जनाधार कहीं ना कहीं इसका व्यक्ति होगा, क्योंकि इससे पहले तो कांग्रेस ने भी किया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस एक्टिव हुई है, महिलाएं काफी ज्यादा प्रतिशत है कांग्रेस से भागीदारी करे, आप बीएसपी के इस फैसले से कहीं ना कहीं क्या बहुजन समाज पार्टी का जरा सा भी जनाधार नजर आता है? देखिए उत्तर प्रदेश में अभी अगर पिछले हफ्ते की बात की जाए तो बीएसपी में कहीं जनाधार नहीं दिख रहा था, क्योंकि बसपा के सबसे ज्यादा विधायक और एमएलए पूर्व मंत्री समेत 6-6 विधायक जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, तो इससे कहीं ना कहीं मायावती को लगातार झटका मिल रहा था। लेकिन अब चूंकि जो महिला पटेला कहता गया है कि 40% जो महिलाओं का सम्मेलन आज करेंगे मायावती, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीएसपी की सीधे टक्कर मानी जाएगी, तो कहीं ना कहीं जनाधार को बढ़ाएगा, क्योंकि बसपा भी चुप बैठने वालों में से नहीं है और बसपा भी कहीं ना कहीं रणनीति तय कर रही है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए दानिश। दिवाली का त्यौहार नजदीक आते ही यूपी में ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी है। बता दें कि मौसम विभाग ने भी यूपी में इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग की माने तो प्रशांत महासागर में होने वाली प्राकृतिक घटना यानी लालीना तूफान के प्रभाव से तेज ठंड पड़ सकती है। तो दीपावली से पहले ठंड का असर दिखना शुरू हो गया है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि यूपी में आने वाले समय में कड़ाके की ठंड हो सकती है। यूपी के कई हिस्सों में ठंड पड़ने लगी है, लेकिन आने वाले समय में और ज़्यादा ठंड हो सकती है। ऐसे में सरकार पूरी तरह से तैयार है, जगह जगह अलाव की व्यवस्था कराने की भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। पूर्वांचल की सियासत को बारीकी से समझने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ और वाराणसी में प्रवास कर यहां की सियासी नब्ज टटोल सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बूथ स्तर तक भाजपा कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए वाराणसी में 12 नवंबर को एक दिन में 8 से ज्यादा बैठकें लेंगे। इसके साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में 13 नवंबर को रैली कर भाजपा के चुनावी अभियान का शंखनाद भी कर सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा पूरा होने के साथ ही पूर्वांचल प्रवास की रणनीति भी तैयार की गई है। इसमें अलग अलग संगठनात्मक बैठकों के साथ ही समाज में पैठ रखने वाले लोगों के साथ विचार
साझा कर सकते हैं और इस दौरान काशी क्षेत्र के 71 विधानसभा सीटों पर सक्रिय दावेदार, पूर्व प्रत्याशी, विधायक सहित अन्य लोगों की रिपोर्ट कार्ड की भी समीक्षा गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं। पूर्वांचल की नब्ज सटोलने के लिए पूरी तरह से तैयार अमित शाह भाजपा के चुनावी अभियान का शंखनाद भी पूर्वांचल में कर सकते हैं। गोवा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ओर से किसानों की कर्ज माफी पर दिए बयान को लेकर पंजाब में राजनीति गरमा गई है। श्रीमणि अकाली दल ने राहुल गांधी के इस बयान पर आपत्ति जताई है। श्रीमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से किसानों की कर्ज मांगी, जो संबंधी रिपोर्ट है वो मांगी है। बता दें कि गोवा में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने बयान दिया है कि कर्ज माफ करने के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, सरकार बनने के बाद इस वादे को पूरा भी किया गया, पंजाब जाकर इस बात को कंफर्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो वादे किए जाते हैं वो पूरे भी किए जाते हैं, लेकिन इस बयान के बाद पंजाब में राजनीतिक जो पारा है वो काफी ज्यादा चढ़ा हुआ है। किसानों की कर्ज माफी पर पंजाब में सियासत गरमाई हुई है, राहुल के बयान पर बवाल मचा हुआ है। कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकरण को गति देने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर सोमवार से हर घर दस्तक अभियान का आगाज करने जा रही है। मेडिकल टीम हर घर जाकर दस्तक देगी और जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं ली है या दूसरी खुराक लेने नहीं पहुंचे उनके पूर्ण टीकाकरण की जिम्मेदारी टीम की होगी। उत्तर प्रदेश में भी इसके तहत विभिन्न ब्लॉकों में बनाए क्लस्टर में शामिल गाँव में सोमवार को टीकाकरण शिविर लगेंगे। गाँव को 3 हिस्सों में बांटकर टीके लगाए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक में अभियान की जानकारी साझा की है। इस बीच रविवार दोपहर तक देश में टीकाकरण 106 करोड़ पार कर गया है। इनमें से 32.88 करोड़ लोग दोनों खुराक ले चुके हैं। हालांकि एकल खुराक का टीकाकरण अभी 73 करोड़ से अधिक है। 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दूसरी खुराक लेने टीकाकरण केंद्र पर नहीं पहुंचे। इनकी तलाश और नए लोगों के पंजीयन के लिए सरकार ने 1 महीने तक देश भर में अभियान चलाने का फैसला किया है। तो टीकाकरण में बढ़ोतरी के लिए विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर दी गई है। ग्राम पंचायतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, यानी कि हर घर दस्तक के तहत इस अभियान के तहत हर घर तक वैक्सीनेशन पहुंचेगी और हर किसी को वैक्सीन जरूर मिलेगी। राजधानी में कोरोना महामारी के कारण 19 महीनों बाद आज से पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक निजी और सरकारी स्कूल खुल चुके हैं। हालांकि स्कूल खुलने के बाद भी ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। कोई भी स्कूल अभिभावकों पर बच्चों के लिए भेजने के लिए दबाव नहीं बनाएगा। अपनी मर्जी से बच्चों को स्कूल भेजेंगे, इसके लिए उन्हें स्कूल की ओर से भेजे गए गूगल फॉर्म पर सहमति देनी होगी। बीते सप्ताह दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 1 नवंबर से सभी निजी और सरकारी स्कूल खोलने के लिए आदेश जारी किया गया था। डीडीएमए ने आदेश में कहा था कि स्कूलों को कक्षा में 50% से ज्यादा उपस्थिति नहीं हो, इसे सुनिश्चित करना होगा। आदेश के बाद निजी स्कूल अभिभावकों को सहमति पत्र भेजने की प्रक्रिया भी है। तो दिल्ली में आज से स्कूल खुल चुके हैं। पहली से आठवीं तक के और कई महीनों बाद स्कूल खोले गए हैं। अभिभावकों को अपनी मर्जी से बच्चे भेजने की छूट है, यानी कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ऑप्शन हैं पेरेंट्स के पास। वो जैसे मर्जी चाहें अपने बच्चों को स्कूल भेज भी सकते हैं और नहीं भेजना चाहते तो घर रहकर उनकी पढ़ाई जारी रहेगी, जैसा कि पिछले 1.5 साल से जारी थी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।